हेलो तो दोस्तों सभी को बात करेंगे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और दोस्तों आज जो यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव हो चुके हैं उनके बारे में भी आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना कि एक्चुअली आज मार्केट में हुआ क्या और हमें किस तरीके से अभी परफॉर्मेंस रखना चाहिए देखिए यहाँ पर मार्केट में आज तेज़ी भी थी और गिरावट भी थी तो आज यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ और तेज़ी के पीछे रीज़न क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा और गिरावट किस में ज़्यादा हो गई वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों देखिए स्टॉक मार्केट में तीन प्रकार के यहाँ पर कंपनीज वर्क करते हैं यहाँ पर आपको तीन प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट यहाँ पर स्मॉल कैप माइक्रो कैप आते हैं मिड कैप सेकंड में आते हैं और थर्ड में आते हैं लार्ज कैप अभी ये कैटेगरी क्यों देखिए इनके यहाँ पर आपको बता दो स्मॉल कैप का मार्केट कैप यहाँ पर कम होता है आपको मार्केट कैप के हिसाब से तो पता ही है बट ये तेजी से परफॉर्म करते हैं रिटर्न देने के अंदर बाद में से ये सेकंड नंबर के मिड कैप वाले थोड़ा यहाँ पर तेजी से परफॉर्म करते हैं और ये जो लार्ज कैप वाले धीरे धीरे परफॉर्म करते हैं इस तरीके से इनका रिटर्न का परफॉर्मेंस होता है जैसा उनका मार्केट कैप और जैसी उनकी सिचुएशन तो बिजनेस एंड यहाँ पर ज़्यादातर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो अभी आप बोलेंगे सर आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं तो मैं आपको इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आगे के जो अपडेट है वो इसी पर डिपेंड है और आपको जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आज मार्केट में तेज़ी देखने को मिली और आप कहेंगे भी कि अभी मार्केट तो कुछ प्रेशर में नहीं है फटाफट आज रिकवरी देखने को मिली वो भी कम से कम ढाई पॉइंट पौ, के यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस यहाँ पर नज़र आए और करीब यहाँ पर देखेंगे 200 सौ यहाँ पर आपको बता दूँ चालीस पॉइंट के करीब परफॉर्मेंस मार्केट में देखने को मिला तो यहाँ पर इसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको जानकारी में पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद सोचना चाहिए कि इसमें तेज़ी क्यों आए अभी मैं वो रीज़न ही आपको बताऊँगा देखिए आज इसमें जो तेज़ी देखने को मिली है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो किया है तेज़ी के अंदर तो यहाँ पर लार्ज कैप वालों ने किया आप बोलेंगे लार्ज क्या बोले ने क्यों किया मैं वो भी बताऊंगा आपको और किस तरीके से और कितना किया वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी देखिए निफ्टी फिफ्टी का जो पूरा इंडेक्स है उसके अंदर जो पचास शेयर है उसकी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे ये टॉप शेयर देखना दोस्तों उनके नाम मैं पहले आपको बता दू देखिए एच डी यहाँ पर आपको पता है यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटानिया विप्रो एशियन पेंट अपोलो हॉस्पिटल अल्ट्राटेक सीमेंट एच बैंक टाटा यहाँ पर आप देखेंगे तो सॉरी टेज महिंद्रा भी है और साथ ही इन्फोसिस श्री सीमेंट है यहाँ पर आप देखेंगे नेस्ल इंडिया टाइटन टी सी ऐसे डेविज लैब्स सन फार्मा ये सभी बजाज फाइनेंस ये आईचर मोटर ये टाटा कंज्यूमर पूरे कंपनियों के नाम आते हैं और ये सभी के सभी क्या है लार्ज कैप में आपको पता है अभी मैं आपको ये नाम तो बता दिया उसके बाद में देखिए चेंजेस इनके अंदर परसेंटेज में एच जो है उसमें थोड़ा चेंजेस है बट देखिए एच यू एल यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्धर कंपनी में तीन तीन परसेंट की तेजी है और उसी के साथ यहाँ पर देखिए तीन परसेंट के करीब की तेजी ऑर्धर कंपनी में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी अब यहाँ पर ये यह तेज़ी का मतलब क्या ये दोस्तों जो परसेंटेज है इनका यहाँ पर ये यह इंडेक्स में इतना बड़ा वेटेज रखते हैं जितना ज़्यादा ये लार्ज कैप वाले जो मैंने आपको अभी कंपनी के नाम बताए वो परफॉर्म करते हैं उतना ही तेज़ी से इंडेक्स परफॉर्म कर देता है और अभी यहाँ पर आप बोलेंगे इतनी बड़ी तेजी तो आ गई बट गिरावट ऐसे कंपनियों में क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पर वो भी रीज़न आपको पता होना चाहिए अभी इतनी बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली है तो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में क्यों क्योंकि देखिए वो जितना तेज़ी से परफॉर्म करते हैं पैनिक सिचुएशन के अंदर उनकी बिकवाली भी वैसे ही होती है और ज़्यादा परसेंटेज में वो गिरावट में ज़रूर देखने को मिलते हैं और मार्केट में जब पिछली बार अभी तेज़ी आई थी तो आपने देखा होगा कोई शेयर में दम भी नहीं उसके फंडामेंटल भी अच्छे नहीं बट यहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ होगी बोलकर उसमें भी निवेश किया जा रहा था और बहुत से स्टॉक ऐसे टॉप लेवल पर जाकर बैठ गए थे अभी उसमें से पैसा निकाल रहे लोग और एफ आई रहने दो या कॉमन इन्वेस्टर सभी ये यहाँ पर यही करते हैं कि जो शेयर में उसके फंडामेंटल में उसके यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर रिजल्ट होते हैं उसमें कोई दम नहीं हो तो उससे पैसे निकाल ले लेते हैं और यही बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों आपके पास अभी ये याद रखना ये आपको बताया इसलिए जा रहा है कि आपके पास कौन से शेयर हैं आपने ऐसे कोई भी शेयर बोल तो जो जिसमें यहाँ पर क्वालिटी नहीं कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं मैनेजमेंट का आता पता नहीं कुछ भी यहाँ पर देखने को सही नहीं मिलता उसमें निवेश किया हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर एग्जिट कर लेना बोल तो पैसे निकाल कर अपने अपने जो भी यहाँ पर प्रॉफ़िट हो तो उससे निकाल कर अच्छे शेयर में आ जाना अभी फ़िलहाल और आपको उस कंपनी के फंडामेंटल पता है ठीक ठाक है कमेंट में बताइए कोई आपको लगता हो शेयर ठीक ठाक है नहीं है पता नहीं है मुझे पूछिए मैं आपको बताऊंगा साथ ही ये भी काम करना भी कि आपको जो भी यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया अच्छे अच्छे शेयर बहुत है आप यहाँ पर मार्केट में हज़ारों शेयर मिल जाएंगे आपको अच्छे वाले और यहाँ पर बुरे वाले भी बट आपको सही समय पर और सही कंपनी में भी रहना चाहिए और देखिए स्मॉल कैप मिड कैप खराब नहीं मैं यहाँ पर दोस्तों मैं आपको खाली ऐसे स्टॉक में नहीं रहने के लिए कह रहा हूँ जिसके फंडामेंटल में दम नहीं है और फंडामेंटल में दम नहीं है बोले तो उसको उभरने के लिए बल तो समय लगेगा इंप्रूवमेंट कर कर और आपको रिटर्न कमा कर देने में बिल्कुल आप यहाँ पर स्मॉल कैप रहने दो या मिड कैप रहने दो या लार्ज कैप आप, आप उसमें निवेश किए हो तो रहिए जरूर जिसमें क्वालिटी है उसमें पैसा तो बनेगा ही इसमें भी कोई शक नहीं है थैंक यू सो मच